है गुड न्यूज़। और मुझे भी मतलब सरप्राइज ही मिला, मेरे लिए भी गुड न्यूज ही है, तो दिखाती हूँ आप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और मैं कल वाला ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था मैं उसको दो पार्ट में डालूंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए। और मेरे तबीयत भी हो गई ख़राब, गला पूरा बैठ गया, बहुत दर्द हो रहा है। और मैं गाड़ी वाले में बैठी थी ना, उसकी वजह से पूरी गर्दन में झटका लग गया, तो बैक में भी बहुत दर्द है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और पूरी वीडियो इंजॉय करना। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। और बाबा सिद्ध वाली का एक सुंदर से भजन के बाद हम लोग पीछे जो वहाँ से रास्ता है, लोगों से निवेदन की रास्ता दीजिएगा। Yeah।
Yeah.
तुको मेला जात की तैयारी हे माता सुनंदा हे माता भवानी शोभा तुको मेला जात की तैयारी लास मुंडा मैया की भगतों की देवी तू रखे सकारी गई माई मातू छाया माया करी हम पटने लगेंगे अब बेला से पारी आश से जाया बिनते हमारी हेला तो उठा रो जो तो चाहते हैं दोनों हाथों में खोल के सब बैठे सुते हैं।
बहुत लेट तक चलने वाला है, लेकिन इतनी लेट तक हम लोग नहीं रुक सकते हैं ना बेबी की वजह से, तो हम जा रहे हैं घर को। दिखाते हैं आपको, बेबी सो गया है मेरा, ये सो चुका है। मैंने ये लिया मन्नू के लिए, ये हमें मिला लगे होंगे ऑटो। मैं ले रही हूँ मन्नू के लिए खांसी की दवाई और अपने लिए भी ये ले लिए मैंने। ये हम जा रहे हैं किसको, कल कॉफी लेना है, हम कॉफी लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी सही लगी, मतलब बहुत सस्ता है, बहुत मिला, दिखाऊंगी आपको से। तो दिखाती हूँ आपको, आपको मिलाती हूँ कौन आया है हमारे वहाँ। एक मेहमान बिना बताए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं उनके बारे में, और मैं रोटी खाने बैठी हुई थी, एकदम से उठी देखा सामने कोई, ये आए हैं मेरे हस्बैंड, और मुझे बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ, खाना बनाना कुछ भी नहीं, और मैं अभी बाजार से आ रही हूँ। अभी मुझे बताते तो हम साथ में आते, पर इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। मैं मेला जा रखी थी, मैं इनके साथ आती, और जैसे ही बैठे हुए थे घर में, देखा तो सामने आके टपक गए। खुश दिख रहा होगा आपको, गलत बात है, ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं देना चाहिए, बताते रहना चाहिए, है ना, बिना बोले आ जाते कभी भी, कभी बता के आना चाहिए। मैं सोच जा रखे मेरे पापा से मिलने, बोला ससुर जी को भी मिल के आता हूँ। तो फ्रेंड ये बहुत गंदा करते हैं, मतलब हर टाइम ये मुझे मतलब सरप्राइज दे रहे हैं। मुझे आप पहले ही मुझे बता देते थे कि मैं आने वाला हूँ, इस डेट को आ रहा हूँ, जो कुछ भी होता था सब बताते थे। पहली बार ही मतलब ड्यूटी से आए 1.5 साल बाद, वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज ही था, मतलब एकदम मैं चौंक गई कि सामने आके खड़े हो गए, मतलब कि कुछ बताया ही नहीं मुझे। तब तो मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, और तो तब वो मोमेंट भी ऐसे था। फिर दूसरी बार बाजार में जो मैंने, तब तो मैं ब्लॉग बनाने लगी थी, आपको दिखाया था ये जा रहे थे, तब भी अचानक से मतलब पहले इन्होंने बताया नहीं कि मैं मिलूँगा और ये करूँगा, और सामने आ गए। आज थर्ड टाइम मुझे इन्होंने सरप्राइज दिया है, अब तो मुझे विश्वास नहीं होगा। मुझे पता है हमेशा ऐसे करेंगे, नहीं बताएंगे मुझे, अब मुझे समझ में आ गया। अगर ये बताने वाले होते तो मुझे बता देते, पर इन्होंने मुझे नहीं बताया। अब मैंने इनको बोला भी, मैं कोटद्वार मेले में जा रखी हूँ, वहाँ घूम रही हूँ, और अभी 5 बजे ही मैं वहाँ से आ रही हूँ। तो इन्होंने मुझे मतलब फ़ोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब मैंने इनको वीडियो कॉल करी, इन्होंने मेरी उठाई नहीं। फिर मैंने इन्हें मैसेज किया, तो इन्होंने कहा मैं ड्यूटी में हूँ, बिजी हूँ, तो उससे बाद में बात करूँगा। और अब भी टाइम हो रहा है, मतलब 7:30 हो गए हैं, देखा तो सामने में रोटी खाते सामने जो इंसान जो बोल रहा है, बोल रहे थे मैं ड्यूटी में हूँ, कौन सी ड्यूटी में थे, बस में चढ़ने की है? बोला ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी में हूँ। हीरो लग रहे हैं यार अब तो मेरे हस्बैंड, नहीं बताना कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। फ्रेंड्स मैं तो वैसे बोल रही थी कि मैं अपने ब्लॉग के 2 पार्ट करूंगी, लेकिन मतलब ये तो बहुत खतरनाक वाला हो गया है। तो मुझसे मिलने कौन आया, आपको मैंने दिखाई दिया पहले, बहुत खुशी हो रही है मुझे अंदर से बहुत, मतलब ऐसे होने के लिए। तो अक्टूबर में यहाँ आए थे हम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, मतलब अक्टूबर में बीच में मिले हम, लेकिन फिर भी होता है ना, खुशी तो खुशी होती है यार, हस्बैंड का साथ तो चाहिए ही। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब वो बैठे हैं पापा के साथ ही, अभी तो आए ही नहीं, और अब मैं कल तो यहीं रहूँगी, क्योंकि अभी मैंने सामान वामान कुछ पैक नहीं किया। देख रहे हो मन्नू के कपड़े सब ऐसे पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो मैं कपड़े वपड़े वॉश करके संभालती। कल हम यहीं रहेंगे, क्योंकि कल मैं सामान वामान वो करूँगी पैकिंग, फिर हम निकलेंगे मंडे को। अब मैं इनके साथ वीडियो बनाऊँगी, और कोशिश करूँगी इनके साथ लाइव आऊँ, क्योंकि ससुराल में जाके मैं नहीं बता सकती अभी क्या सिचुएशन होगी, मतलब टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलता वैसे तो, वहाँ तो मैं बोल रही हूँ ना, इतनी जल्दी मतलब
अंधेरे में तो सुबह उठ जाते हैं 5:40 पर, यहाँ कहाँ 7:30 बजे उठने वाले, वहाँ 5:40 पर उठना पड़ता है। फिर ऊपर से खाना बनाओ, यहाँ तो यह है कि चलो नहीं बनाओ पर वहाँ सुबह खाना वाना बनाओ फिर बच्चों को ले करो, मतलब वहाँ ज़्यादा काम होता है, तो टाइम जैसा भी मिलेगा करूँगी मैं और कोशिश करूँगी इनके साथ में आऊँ। ये मेरे साथ रील बनाए मेरे को पता ही नहीं मिलता क्योंकि ये भी अपने भाई लोगों के साथ इतना बिजी हो जाते हैं ना, नहीं थोड़े दिन के लिए आए हैं तो सब देखना पड़ता है, तो देखेंगे कोशिश करूँगी इनके साथ मैं ब्लॉग शूट करूँ, वीडियो शूट करूँ, रील्स बनाऊँ। चलो तब मिलते हैं थोड़ी देर में। और